अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश एंड वेरी हैप्पी, तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं कोई, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से कॉन्टेंट अपना लाइनअप करके रखा हुआ था बट वीडियो मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं आज आपको तैयार भी थोड़ा सा इसीलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं अपना एक ही फेस देख देख के खुद बोर हो गई थी। सबका एक ही फेस होता है बट जो मेरी तबीयत ख़राब थी उस वजह से मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैं आज उठी, मैं तैयार हुई और मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आई डोंट नो कि ये वाला वीडियो एडिट होकर कब आप लोगों को मिलता है। आज है 30 सितंबर और वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये कम्प्लीटली सिटिंग डाउन ब्लॉग होने वाला है, वीडियो होने वाली है। और आज हम इसमें करेंगे फ़नी जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट। वैसे तो मैं इस बात पर कोई बिलीव नहीं रखती लेकिन ये एक फ़नी सा कॉन्टेंट लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई दिस। और मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ भी आ रही थी इससे रिलेटेडली, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये वीडियो बना लेती हूँ, तो बस इसीलिए हम ये वीडियो बनाएंगे। और टिल डेट अभी तक अपने बेबी का जेंडर नहीं पता चला है कि मेरी बेबी का जेंडर क्या है, लेकिन हम इन प्रेडिक्शन टेस्ट को देखेंगे कि वाकई ये एक्यूरेट होती हैं या फिर इनमें ये बस एमी सी बनाई हुई बातें हैं। वैसे तो ये ओल्ड वाइफ टेल्स हैं और पहले के ज़माने में जब स्कैन्स नहीं होते थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, जो ट्रेडिशनल औरतें होती थी जो डिलीवरीज वगैरह करवाती थी वो अपने इन्हीं अंदाज़ों के बेसिस पे बताती थी जेंडर्स। तो आई थिंक इट इज़ 50% राइट टू 50% रॉन्ग, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही थी वीडियो बनाते हुए, तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स जो है ना वो नोट डाउन कर लिए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स को देखेंगे कि कितने परसेंट एक्यूरेट है। तो चलिए पहला जो पॉइंट है वो आता है क्रेविंग्स का। तो अगर आपको सॉल्टी क्रेविंग्स होती हैं तो इसका मतलब है आपको बॉय है, और अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स होती हैं तो इसका मतलब आपको गर्ल है। तो मुझे मोस्टली सॉल्टी क्रेविंग्स होती हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है वो जा रहा है बॉय को। ओके, अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा मॉर्निंग सिकनेस। तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो इसका मतलब आपको बॉय है, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है तो इट मींस कि आपके यहाँ गर्ल होने वाली है। तो अगर मैं मॉर्निंग सिकनेस की बात करूँ तो गाइस मुझे थ्रू आउट 9 मंथ मॉर्निंग सिकनेस रही है। सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये था कि थोड़ी सी कम हो गई थी, बट फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती है अब तक ना। तो इस हिसाब से गला पॉइंट जा रहा है डायरेक्टली गर्ल को। अब आ जाते हैं हम स्लीपिंग साइड पे। तो अगर हम लेफ़्ट साइड पे सोना पसंद करते हैं तो इट मींस के हमारे यहाँ बॉय होने वाला है, और अगर राइट साइड पे सोना पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ गर्ल होने वाली है अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स। तो मोस्ट लाइकली मुझे लेफ़्ट साइड पे सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाला पॉइंट जा रहा है हमारा बॉय को। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फोर्थ पॉइंट में मॉम कॉम्प्लेक्शन, कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मॉम का वो क्लियर है तो इसका मतलब बॉय है, और अगर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब गर्ल है। तो गाइस मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स आए हैं, बहुत 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 ज़्यादा। इवन मेरी स्किन टोन बहुत डल हो गई थी, बहुत ब्रेकआउट्स आ रहे थे, टेक्स्चर्ड स्किन हो गई थी, और जगह जगह पिगमेंटेशन हो रही है अभी भी। तो ये वाला जो, अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है वो गर्ल को जाता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हुए हैं। अच्छा, 5 पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है फूट साइज़। अगर हमारा फूट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे यहाँ बॉय होने वाला है, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है गर्ल होने वाली है। तो मेरा जो फूट साइज़ है वो आई थिंक सेम ही है, और मुझे कोई स्वेलिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक, तो ये वाला पॉइंट भी जा रहा है हमारी गर्ल को। अच्छा, 6 पॉइंट में बोल रहे हैं हार्ट बीट का। तो अगर हमारी हार्ट बीट लेस देन 140 है तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बॉय होने वाला है, और अगर हार्ट बीट जो है वो मोर देन 140 है तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ गर्ल होने वाली है। तो ये जो हार्ट बीट है तो फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन लास्ट टाइम जो मेरा स्कैन हुआ था ना उसके अकॉर्डिंगली मेरी हार्ट बीट बेबी की थी 150 और 156 समथिंग थी। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी हमारी गर्ल को जा रहा है क्योंकि मेरी हार्ट बीट जो है लास्ट वाले स्कैन में वो 156 ही आई थी, और इससे पहले वाली मुझे याद नहीं है। बस वो लास्ट टाइम वाली मैंने इसलिए पूछ ली थी क्योंकि मेरे जहन में था मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर से। तो आई थिंक ये वाला हमारा पॉइंट भी गर्ल को जा रहा है।
अच्छा, अब जो हमारा 7 नंबर का पॉइंट है वो है हेडेक्स। कि अगर आपको हेडेक्स नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपको गर्ल है, और अगर आपको हेडेक्स आते हैं तो इसका मतलब आपको बॉय है। तो गाइस, मुझे फ्रीक्वेंट हेडेक्स आते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा जा रहा है बॉय को। अब नंबर 8 पर इमोशंस की बात की हुई है, तो अगर आपके इमोशंस चिल हैं, मतलब आप सेम इमोशंस वाले हैं, तो इसका मतलब आपको बॉय है। और अगर आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, चेंजेस होते रहती हैं इमोशंस के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपको गर्ल है। तो आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा मूडी हो गई हूँ, कभी मुझे बहुत रोना आ जाता है, कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी मैं बहुत हंसने लग जाती हूँ, तो मेरे इमोशंस चेंज होते रहते हैं। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी हमारा जाता है मे बी गर्ल को। अब जो 9 वाला पॉइंट है, इसमें हम बात कर लेंगे कैरिंग बेबी पोजीशन, यानी कि अगर हमारा जो टमी है वो लोअर साइड पे है और हम कैरिंग लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बॉय होने वाला है। और अगर आप कैरिंग हाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको गर्ल होने वाला है। तो मुझे अपने केस में ऐसा लगता है कि आई एम कैरिंग हाई, सो ये वाला पॉइंट भी जाता है हमारी क्यूट सी बेबी गर्ल को। अच्छा, अब जो 10 नंबर पे पॉइंट है वो है टेम्परेचर। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर आपका कोल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लड़का होने वाला है। और अगर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो हॉट है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, हॉट फ्लशेज आते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी जा रहा है हमारी क्यूट सी बेबी गर्ल को। 11 वाला पॉइंट गाइस मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वो है डैड का वेट। तो अगर डैड का वेट सेम होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और अगर डैड का जो वेट है वो गेन होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो मेरे हस्बैंड है उनका वेट बल्कि कम ही हुआ है, सेम रहा है और कम हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट जा रहा है वो जा रहा है हमारा बेबी बॉय को। अच्छा, अब जो 12th नंबर पे पॉइंट है वो है बैलेंस, यानी कि आपका बैलेंस कैसा है, क्लम्सी है या बहुत ग्रेसफुल है। तो अगर आपका क्लम्सी होगा तो इसका मतलब आपको इंडिकेशन है बॉय की, और अगर बहुत ही ग्रेसफुल होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी गर्ल की है। तो जो मेरा बैलेंस है गाइस, मैं आपको सच बताऊँ, वो बहुत ही क्लम्सी है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये जा रहा है हमारे बेबी बॉय को। 13 नंबर पे जो पॉइंट है वो है स्किन टेक्सचर, यानी कि अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई हो गई है, तो इसका मतलब ये है आपको बेबी गर्ल है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड रफ हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी बॉय है। तो मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है और बहुत ही ब्रेकआउट्स वाली हो गई है, तो इसका मतलब ये है स्किन टेक्सचर मेरा काफ़ी ड्राई हो गया है ना। तो इस पॉइंट से तो ये वाला पॉइंट जा रहा है बॉय को। लेकिन इससे पहले जो एक पॉइंट आया था वो था कॉम्प्लेक्शन का, तो कॉम्प्लेक्शन में ब्रेकआउट्स वाला जो पॉइंट था वो गर्ल को जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो ड्राई स्किन वाला पॉइंट जा रहा है बॉय को। तो आई थिंक ये इसमें कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, तो मुझे तो ये पॉइंट सेम ही लग रहे हैं। ओके, 14 नंबर पे जो पॉइंट आ रहा है वो है फीट टेम्परेचर का, कि अगर आपके जो फीट हैं वो कोल्ड रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बॉय होने वाला है। और अगर आपके फीट जो है वो हॉट रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो गाइज़, अगर मैं बात करूँ तो मेरे तो फीट हमेशा गर्म रहते हैं, हाथ पैर दोनों बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो ये वाला भी पॉइंट जा रहा है हमारा क्यूट सी बेबी गर्ल को। ओके, अब 15 पॉइंट पे आ रहा है चाइनीज़ कैलेंडर। तो पहले मुझे भी चाइनीज़ कैलेंडर के बारे में ना कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने फिर 3-4 वीडियोस देखी, मैंने पता किया कि चाइनीज़ कैलेंडर क्या होता है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आप गूगल पे लिखेंगे चाइनीज़ कैलेंडर, और वहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ कंसेप्शन डालनी पड़ेगी, तो फिर आपको नंबरिंग के थ्रू पता चल जाएगा कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। तो मैंने चेक किया था चाइनीज़ कैलेंडर के अकॉर्डिंगली, अपनी LMP डालकर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो मेरे पास आया था बॉय। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो बॉय को जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है नोज शेप। तो अगर आपकी नोज बिगर हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बॉय है। और अगर आपकी नोज सेम है, तो इसका मतलब आपको बेबी गर्ल है। तो गाइस, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी नाक बड़ी हो गई है, और ये अभी से नहीं लग रहा, ये मुझे बहुत स्टार्टिंग से फील होना शुरू हो गया था कि मेरी जो नोज़ का साइज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी, तो वो कहते थे आपका वहम है, आपको ऐसे ही लग रहा है, कुछ नहीं होता ये वो। लेकिन जब मैं कभी शीशे में देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरी नाक बहुत बड़ी हो गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला पॉइंट जा रहा है हमारे बेबी बॉय को। और जनाब, अब आता है लास्ट पॉइंट, वो है हमारा बैली शेप। तो अगर हमारा बैली शेप राउंड होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और अगर आपका बैली शेप वाइड होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है।
तो मुझे लगता है कि मेरा जो टमी है वो राउंड है, तो इस हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है वो जाता है हमारे बॉय को। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो हमारी बेबी गर्ल को मिले हैं। अब कितने मिले हैं ये तो जब मैं वीडियो एडिट करूँगी, काउंट करूँगी, तो मुझे पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स गर्ल को गए हैं और कितने पॉइंट्स बॉय को गए हैं, वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। तो ये थे कुछ फ़नी से पॉइंट्स और प्रेडिक्शंस जो कि हमने इस वीडियो में की हैं। और बाकी आगे अलावा क्या देता है, बेबी गर्ल देता है, बेबी बॉय देता है, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है और ना ही मैंने पता करने की कोशिश की है। हाँ, आई हैव टू गो आफ्टर 4 or 5 days फॉर माई 8 month स्कैन। तो अब देखें, उसमें अगर डॉक्टर बता देती है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे बताते नहीं हैं। तो जो भी हो, मैं तो दोनों की शॉपिंग कर रही हूँ, बेबी गर्ल की भी शॉपिंग कर रही हूँ, बेबी बॉय की भी शॉपिंग कर रही हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यू गाइस वेरी वेल नो कि क्या करना है आप लोगों ने। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।